टीम इंडिया को हराकर न्यूजीलैंड ने बेंगलुरु टेस्ट जीत लिया है। इसी के साथ कीवी टीम ने इतिहास भी रचा। उसने 36 साल बाद भारतीय जमीन पर टेस्ट मैच में अपनी जीत की स्क्रिप्ट लिखी। न्यूजीलैंड ने साल 1988 में आखिरी बार भारत में टेस्ट मैच जीता था। मुंबई के वानखेड़े मैदान पर मिली उस जीत के बाद ये पहली बार है जब कीवी टीम ने भारत को अपने टेस्ट कप में पताका फहराया है। न्यूजीलैंड ने टेस्ट टीम इंडिया को बेंगलुरु टेस्ट में 8 विकेट से हराया। इसी के साथ उसने 3 टेस्ट की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 107 रन का लक्ष्य रखा था। कीवी टीम के पास इस स्कोर को हासिल करने के लिए हाथ में 10 विकेट और पूरे दिन का खेल बचा था। ऐसे में वो जीत का प्रबल दावेदार था और हुआ भी ठीक वैसा ही। न्यूजीलैंड ने सिर्फ 2 विकेट गंवाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। न्यूजीलैंड को विल यंग और रचिन रविंद्र ने मिलकर ऐतिहासिक जीत तक पहुंचाया। ये 21वीं सदी में भारतीय मैदान पर न्यूजीलैंड की पहली जीत है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1988 में आखिरी जीत दर्ज करने के बाद न्यूजीलैंड कभी भारत में कोई टेस्ट जीता ही नहीं था, लेकिन उसका वो इंतज़ार अब खत्म हो चुका है।